नमस्कार, मैं नरगिस मंसूरी स्वागत करती हूँ आप सभी का नेक्स्ट नाइन लाइफ पर। उर्फी जावेद ने वेब सीरीज में बोल्ड सीन्स करने से किया मना तो निर्माता ने दी जेल भेजने की धमकी। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली महिलाएं लगातार बड़े बड़े खुलासे कर रही हैं। दीपिका पादुकोण से लेकर तापसी पन्नू समेत सभी बहादुर महिलाएं इंडस्ट्री की काली सच्चाई बयां कर चुकी हैं। इन्हें देखने के बाद बाकी अदाकाराएं भी सामने आकर बड़े राज खोल रही हैं। इस लिस्ट में अब अदाकारा उर्फी जावेद का नाम भी जुड़ गया है। उर्फी जावेद अक्सर अपनी ड्रेसेस के चलते खबरों में बनी रहती हैं, लेकिन इस बार उनके एक बयान ने खलबली मचाकर रख दी है। इस बयान में उर्फी जावेद ने इंडस्ट्री के चेहरे से शराफत का नकाब उतार दिया है। उर्फी जावेद ने ई टाइम को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि एक वेब सीरीज निर्माता ने उनसे सीरीज में बोल्ड सीन्स करने की मांग की थी। जब उन्होंने इससे इनकार कर दिया तो उस निर्माता ने उन्हें जेल भेजने पर और 50 लाख रुपए का केस करने की भी उन्हें धमकी दी गई थी, जिस पर कि उर्फी जावेद ने मना कर दिया था। उर्फी जावेद ने अपनी स्ट्रगल स्टोरी शेयर करते हुए कहा, मैंने अपने करियर में बहुत स्ट्रगल किया है, मैं आज भी स्ट्रगल ही कर रही हूँ। मैंने 3000 रुपए प्रतिदिन की सैलरी से अपनी जिंदगी शुरू की थी। शुरुआत में मुझे समझ नहीं आता था कि चीज़ें मेरे मुताबिक क्यों नहीं हो रही हैं। मैंने जो शो साइन किया वो 3 महीनों के अंदर बंद हो गए। मैं 10-12 शोज में काम कर चुकी हूं, लेकिन इनमें से कोई भी 3 महीने से ज्यादा नहीं चला। जब चीजें मेरे मुताबिक नहीं हो रही थी तब मेरे पास केवल 2 ही ऑप्शन थे, या तो मैं मर जाऊं या फिर मैं स्ट्रगल करूं। मेरे पास आज भी कोई प्लान नहीं है, मैं इन्हीं 2 ऑप्शन के साथ जिंदगी जी रही हूं। मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ और कर पाती हूं अगर एक्ट्रेस ना बन पाती। जिस तरीके से उन्हें धमकी मिली, उन्होंने उस धमकी पर बात करी कि मुझे जब मैं यहां पर आई थी तो मुझे काफी धमकियां भी मिली थी, अगर मैं बोल्ड सीन्स नहीं करूंगी तो जुर्माना दिया जाएगा और मुझे जेल भी भेज दिया जाएगा।